आज मैं इस वीडियो में बनाने वाली हूँ शेंगा भाजी। ये बहुत ही फेमस है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये कम से कम इंग्रेडिएंट में बनती है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। तो चलिए आप शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अश्विनी और आपका स्वागत है आशूज रेसिपी में। आज मैं बनाने जा रही हूँ शेंगा भाजी। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत कम समय में बनती है, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। शेंगा भाजी या पीनट मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप मूंगफली लिया है। मैंने यहाँ पे कच्ची मूंगफली लिया है और यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है, इसे बारीक कट कर लिया है, और साथ में ही एक प्याज लिया है, इसे भी बारीक कट कर लिया है। 8 से 10 करी पत्ता लिया है और यहाँ पे मैंने 3 चम्मच तेल लिया है, आधी छोटी चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और साथ में ही लिया है 1/3 कप बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और साथ में ही लिया है आधी छोटी चम्मच राई, नमक लिया है 1 चम्मच। तो चलिए अब पीनट मसाला या शेंगा भाजी बनानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पैन को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। जैसे ही पैन गर्म हो जाता है तो हम इसमें पीनट्स डाल देते हैं। अब हम यहाँ पे पीनट्स को अच्छे से रोस्ट कर लेना है। हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेना है, या फिर तब तक रोस्ट करें जब तक जो मूंगफली है थोड़ा सा ब्राउन कलर हो जाए, तब तक हमें इसे रोस्ट कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे जो मूंगफली है वो अच्छे से रोस्ट हो चुका है, तो हमें यहाँ पे इतना ही रोस्ट कर लेना है। अब गैस को बंद कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे एक प्लेट में निकाल दिया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ये ठंडा हो जाता है तो हमें यहाँ पे इसे दरदरा पीस लेना है। ऐसा मान के चलो कि हमें एक पीनट में 4 हिस्से कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। सेम पैन में हम डाल देते हैं 3 चम्मच तेल। तेल को भी अच्छे से गर्म होने देते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है तो हम इसमें डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा और साथ में ही डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच राई। हम इसे थोड़ा सा क्रैकल होने देते हैं। अब इसी के साथ हम डाल देते हैं करी पत्ता। अब हम यहाँ पे इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। तो मैंने यहाँ पे सारा प्याज डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हमें यहाँ पे इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। हमें यहाँ पे इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है, या फिर तब तक फ्राई करें जब तक जो प्याज है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच हींग। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जब तक यहाँ पे ये प्याज पक रहा है तब तक हम इस रोस्टेड पीनट का टर्फल निकाल देते हैं और यहाँ पे इसे दरदरा पीस लेते हैं ताकि उतना ही हमारा टाइम बच जाता है। 3 मिनट हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्याज है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। तो हमें यहाँ पे प्याज को इतना ही सॉफ्ट कर लेना है। शेंगा भाजी में प्याज अगर कच्चा रहे तो इसका टेस्ट और भी बढ़िया आता है। तो हमें यहाँ पे इतना ही प्याज को फ्राई कर लेना है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ टमाटर। तो मैंने यहाँ पे 1 प्याज और 1 टमाटर का यूज किया है। तो हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और हमें यहाँ पे इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, या फिर तब तक फ्राई करें जब तक जो टमाटर है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। याद रहे कि हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम ही रखना है। अब हम इसे कवर करते हैं ताकि जो टमाटर है वो जल्दी पके। 3 मिनट हो जाने के बाद मैंने ढक्कन हटा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो हमें यहाँ पे इसे एक बार मिक्स कर लेना है। शेंगा भाजी में प्याज टमाटर थोड़ा सा कच्चा रहे तो भी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाता है। तो हमें यहाँ पे इसे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है ना, इसी तरीके से इतना ही सॉफ्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये मसाला रेडी है। तो हम इसमें बाकी के सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसी के साथ डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मैंने यहाँ पे ज़्यादा मसाले का यूज़ नहीं किया है। आप चाहे तो यहाँ पे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाल सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। हमें यहाँ पे इसे कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से प्याज और टमाटर के साथ मिक्स हो जाए।
अब इसमें हम डाल देते हैं दरदरा पिसा हुआ पीनट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि मैंने इसे कितना बड़ा रखा है, तो हमें यहाँ पे इतना ही इसे बड़ा रखना है। तो हम यहाँ पे ये दरदरा पिसा हुआ मूंगफली इसमें डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे मीडियम फ्लेम पे मिक्स कर लेना है। शेंगा भाजी बहुत ही टेस्टी लगता है, मैंने बताया इस तरीके से, आप एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो मैंने यहाँ पे एक चम्मच नमक डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने नमक को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं पानी। तो हमें यहाँ पे आधा ग्लास पानी डाल देना है। पानी को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने शेंगा भाजी की रेसिपी बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है। तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो हम यहाँ पे इसे कवर कर देते हैं और इसे 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं। हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है ताकि नीचे से जले नहीं। तो यहाँ पे मैंने बीच में 5 मिनट हो जाने के बाद ढक्कन हटा दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे जो पानी है थोड़ा सा कम हो चुका है, तो हम यहाँ पे इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे फिर से पकाना है। तो यहाँ पे मैं इसे फिर से कवर कर देती हूँ और यहाँ पे हमें टोटल 7 से 8 मिनट के लिए पका लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे 7 मिनट हो जाने के बाद मैंने ढक्कन हटा दिया है। तो यहाँ पे ये हमारी शेंगा भाजी बनके तैयार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि दिखने में कितना बढ़िया दिख रहा है। तो हम यहाँ पे इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। शेंगा भाजी बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे चपाती या रोटी के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसे एक बार मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप धनिया पत्ता लिया है। तो हम यहाँ पे इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। धनिया पत्ता डालना ऑप्शनल है, लेकिन धनिया पत्ता डालने से इसमें खुशबू और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाता है। तो हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और यहाँ पे शेंगा भाजी बन के तैयार है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि दिखने में कितना बढ़िया दिख रहा है और ये बहुत ही टेस्टी होता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे सेंगा भाजी रेडी है। तो हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं। अब चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पे एक सर्विंग प्लेट लिया है। अब इस प्लेट में हम डाल देते हैं शेंगा भाजी। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि दिखने में कितना बढ़िया दिख रहा है और इसकी कंसिस्टेंसी और ये दिखने में एकदम परफेक्ट दिख रहा है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने यहाँ पे इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। आप चाहे तो इसमें मसाले का यूज कर सकते हैं और इसे थोड़ा सा स्पाइसी बना सकते हैं। अब इसके ऊपर गार्निश करते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता से, ताकि जो शेंगा भाजी है दिखने में और भी बढ़िया दिखे। तो यहाँ पे ये शेंगा भाजी रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें चपाती रोटी या पूरी के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी शेंगा भाजी की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।